निहाल जी सर पूछ रहे हैं कि हेलो सर, इफ आई इन्वेस्ट फ्रॉम टुडे विथ 6,000 पर मंथ, हाउ मच प्रॉफिट आई गोट आफ्टर 10 ईयर्स। दोस्तों, एक इन्वेस्टर हैं जो कि पूछ रहे हैं कि अगर हर महीने में 6,000 पर मंथ SIP स्टार्ट करूं आज से, तो आफ्टर 10 ईयर्स मेरे को कितना रिटर्न्स मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक और नई शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन इन्वेस्टर की क्वेरीज पर एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाला है। दोस्तों, आप वीडियो में एंड तक बने रहेगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो SIP एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। लेकिन आपको इन्वेस्ट कितना करना है, कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है, ये भी बहुत ही बड़ी बात होती है। साथ ही आप म्यूचुअल फंड कौन से पिक करते हैं, आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड पिक करने हैं, जो नए वाले म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनको पिक नहीं करना है, यानी जिनका 1 साल का भी रिकॉर्ड नहीं है उनमें इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको 5 साल 10 साल जो म्यूचुअल फंड से पुराने स्टेबल म्यूचुअल फंड है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, फाइनेंशियल पैरामीटर्स उनके सारे बहुत अच्छे हैं, उनमें इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, अब यहाँ पे जो इनकी क्वेरी है कि 6,000 पर मंथ अगर मैं इन्वेस्ट करूँ SIP के थ्रू आज से ही, तो मेरे को आफ्टर 10 ईयर्स कितना रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों, उसी के ऊपर हम लेके चलते हैं। दोस्तों, इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो हम यहाँ पे रख लेते हैं 6,000 पर मंथ। अब देखते हैं कि इनका जो पोर्टफोलियो है रिटर्न कितने देता है। मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 18% की रिटर्न इनका पोर्टफोलियो परफॉर्म करेगा आफ्टर 10 ईयर। तो टोटल 10 ईयर में इनका इन्वेस्टमेंट 7,20,000 रुपीज हो जाता है। एंड इनके एस्टिमेटेड रिटर्न 12,97,545 रुपीज हो सकते हैं। और आफ्टर 10 ईयर फाइनल अमाउंट 20,17,545 रुपीज हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे रिटर्न्स तो फिक्स नहीं है। अगर यहाँ पे 18% की बजाय इनको 17% ही रिटर्न मिलते हैं तो इनका टोटल इन्वेस्टमेंट तो सेम रहेगा, यहाँ पे एस्टिमेटेड रिटर्न थोड़े से कम हो जाएंगे, 11,73,811 हो जाएंगे। और फाइनल अमाउंट 18,93,811 हो जाएगा। अगर रिटर्न्स और भी कम होते हैं यहाँ पे, यानी फ्रेंड्स मान लिया जाए 16% के ही रिटर्न मिलते हैं, तो यहाँ पे एस्टिमेटेड रिटर्न 10,58,000 रुपीज ही दे जाते हैं। तो ये डिपेंड करेगा रिटर्न्स के ऊपर। अगर इन्होंने और भी अच्छे म्यूचुअल फंड चूज नहीं किए और रिटर्न्स यहाँ पे 12% के ही मिले, तो दोस्तों यहाँ पे एस्टिमेटेड रिटर्न 6,74,034 रुपीज ही रह जाता है। तो डिपेंड करेगा इन्वेस्टमेंट कौन से म्यूचुअल फंड में किया है। दोस्तों, अगर वही ये स्टेप अप SIP यूज करते हैं, यानी SIP के साथ नॉर्मल SIP नहीं लेकर के स्टेप अप SIP अगर ये चूज करते हैं फ्रेंड्स, तो 6,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं, 10% का इंक्रीज ये लेकर के चलते हैं, 18% की रिटर्न इनको मिले, तो इनका टोटल इन्वेस्टमेंट 11,47,495 रुपीज हो जाता है। एस्टिमेटेड रिटर्न यहाँ पे 14,31,351 रुपीज हो सकते हैं। फाइनल अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स 25,78,845 रुपीज हो सकता है फ्रेंड्स, 18% एवरेज रिटर्न मिलने पर। तो डिपेंड करेगा कि आपने म्यूचुअल फंड कौन सा चूज किया है, आपके ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है 6,000 का उसने कितना एवरेज रिटर्न परफॉर्म किया है। रिटर्न्स हो सकता है 18% से ज्यादा भी मिल जाए, अगर ज्यादा रिटर्न मिलेगा तो आपको ज्यादा ही बेनिफिट होगा। और दोस्तों, अगर कोई इन्वेस्टर है जिसकी एज कम है तो वो 10 ईयर से भी ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करें, ज्यादा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि जब बड़ा अमाउंट इकट्ठा होता है तो उस पर जब कैपिटलाइजेशन होता है तब और भी ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस बन जाते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।